बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत, की पूजा अर्चना, चंद्रमा को चढ़ाया जल, पति का चेहरा देखकर खोला व्रत। अंजड़, रविवार को महिलाओं द्वारा करवा चौथ व्रत अपने पति की लंबी उम्र की कामना की गई। वहीं रात तकरीबन 9 बजे चांदनी में चांद देखने के बाद अपने पति का चेहरा देख महिलाओं द्वारा व्रत छोड़ा गया। करवा चौथ व्रत को लेकर नगर में कुछ दिनों से चहल पहल बनी हुई थी, जहां महिलाएं बाजार में खरीदी करते देखी गई। वहीं श्रृंगार के लिए ब्यूटी पार्लर व महिलाओं की भीड़ खासी नजर आई। मान्यता है कि अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत किया जाता है, साथ ही खुशी खुशी गृहस्थ जीवन के लिए भी यह व्रत शुभ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत सनातन हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सर्गी देती है, जिसे लेकर बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। सूर्योदय से पूर्व सुहागन सर्गी का सेवन करती है, इसके बाद रात में चंद्र देखने के बाद जल चढ़ाकर व्रत खोलती है। फिर पूरी क्षमता से सहज सकेंगे रियासत कालीन सजवाई तालाब में पानी, रिपेयरिंग की कवायद हुई शुरू। सोमवार से सजवाई ग्राम के रंजीत तालाब की क्षतिग्रस्त पाल को सुधारने का काम शुरू किया गया है। कार्य अनुसार इसे जल्द पूरा करने की बात कही जा रही है, ताकि बारिश में तालाब में पानी संग्रहण में परेशानी न हो। केंद्र सरकार की SDRF योजना के अंतर्गत 1,85,00,000 रुपए की लागत से रियासत कालीन लगभग 101 साल पुराने रंजीत तालाब की पाल, वेस्ट वेयर और सुसाड नदी से डायवर्सन गेट सहित आसपास सफाई का काम इंदौर के ठेकेदार मेसर सुदेश शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के अधीन इस तालाब में निर्माण के बाद अब रिपेयरिंग का काम करवाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के सब इंजीनियर श्री SS चौहान ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सजवाई के रंजीत तालाब पर कार्य शुरू करवाया गया है। आवश्यकता अनुसार कमी पेशियों को दूर कर अब फिर से तालाब में पूरी क्षमता से पानी संग्रहित हो सकेगा। गौरतलब है कि रंजीत तालाब में 182 वर्ग किलोमीटर दूर से वर्षा का जल संग्रहित होता है, तो वहीं 450.5 मिलीमीटर की विशाल क्षमता से इसमें वर्षा जल सहित इंदिरा सागर नहर से भी पानी भरा जाता है, जिसमें लगभग 1300 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में जल आपूर्ति करने के लिए यह क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है। सोमवार विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम छापरी में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता शिविर, माननीय न्यायाधीश द्वारा कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोमवार ग्राम छापरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्होंने उनके अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानूनी सलाह पर सबका समानांतर अधिकार है। इसके अलावा जिला व तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसकी जानकारी भी उपस्थित लोगों को दी गई। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रथम श्रेणी विशेष न्यायाधीश सुश्री आभा गवली ने बाल यौन शोषण, बाल श्रम आदि के बारे में जानकारी दी, तो वहीं एडवोकेट राजेंद्र श्रीवास द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। इस अवसर पर विधिक सेवा पैरालीगल वॉलंटियर सतीश परियार, जन साहस संस्था के रविंद्र खांडेकर, संजय चौहान, सरपंच प्रतिनिधि नारायण पटेल, सहायक सचिव पप्पू चौहान व ग्रामीण मौजूद रहे। पतियों के लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत, 16 श्रृंगार कर चंद्रमा की पूजा कर ग्रहण किया अन्न जल। राजपुर, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के त्योहारों में खासकर महिलाओं के लिए करवा चौथ का एक अलग ही महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर पूजा कर साथ ही अपने पति की पूजा करती है, जिसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती है। पिछले एक सप्ताह से करवा चौथ व्रत को लेकर सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा तैयारियां की जा रही थी। चूड़ी बिंदी से लेकर श्रृंगार की सामग्री के साथ कपड़े आभूषणों की खरीदी भी रविवार शाम तक चलती रही। नगर के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से चंद्रमा की पूजा अर्चना करने के पश्चात पतियों के हाथों से पानी ग्रहण कर व्रत समाप्त किया। वो पतियों ने उपहार भेंट किए। करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित रही।